जिस घर में बिना किसी बात के भागदौड़ मची रहती है उसे कहते हैं शादी का घर। और लड़की के बाप को देखकर बस दिल से एक ही आवाज निकलती है, अंकल, चाचा, काका, मामा, आप कुछ लेते क्यों नहीं? पता नहीं क्या हाउला मचा रखा है। हाँ भाई तू बोल, तू क्या कह रहा था? चाचा ही, अबे एक बात चाचा बोला कर, बता दी तुझे मैंने तेरे कैसे मार दिया ना मैंने, तेरी खोपड़ी का तरबूजा खुल जाएगा, बताऊं तेरे को? चाचा ही बता रहे हैं आप हमें ऐसे मत मारा कीजिए, बड़े हो गए हम, मारते रहते हैं आप हमें, बता रहे हमारे पिताजी के छोटे भाई नहीं होता तो कुछ नहीं, बड़े भाई होते। एक काम बोल, काम कहते तेरे को, वो चाचा जी हलवाई है ना वो फैल गया है, बे वो क्या रायता है जो फैल गया है? नहीं चाचा जी वो क्या है, उन्हें किराने के सामान में आधी किलो जीरा और 50 किलो राइस लिखवाया था। बे तो क्या हो गया, सारा सामान में खुद लाया था, अपने आप लाया था, किराने के सामान में चेक करो बिना मतलब फड़फड़ाओ मत। चाचा जी सामान तो सब आ गया है लेकिन सब उल्टा हो गया है, 50 किलो जीरा आ गया और आधी किलो राइस। तो क्या हुआ, जीरा राइस बनवा लो। जीरा राइस इतने में ये जाता नहीं, दूसरा आया था, अंकल अंकल अंकल, अबे तेरी ड्यूटी मैंने धर्मशाला में लगाई थी, तू यहाँ क्या कर रहा है, चल धर्मशाला जा। अंकल धर्मशाला से आ रहे हम, आप ऐसे मत बोला कीजिए कि आपके अलावा कोई काम नहीं करता है, आपके सुबह से दो दोस्त आए हुए हैं उनसे प्याज नहीं उठे सुबह से, धर्मशाला से आ रहे हैं, वहाँ पे बरातियों ने परेशान करके रखा हुआ है, एक बराती ने छेनिया तोड़ा मंगवाया। अबे छेनिया तोड़ा, अब छेनिया तोड़ा क्या मंगवा लिया उसने, धर्मशाला की दीवार में सुरंग बनाएगा, वो सुरंग घर तक लेके आएगा, उसके अंदर बरात लेके आएगा क्या, मैं समझ में नहीं आ रहा भाई क्या है, क्या चक्कर। अरे नहीं कह रहा, गुलाब जामुन टूट नहीं रहे हैं, छेनिया तोड़ तोड़ कर खाऊंगा। एक और आया है, एक आया दूल्हे का दोस्त, खास दोस्त, वो जब से बस से होता है दूल्हा चपक के खड़ा हुआ है, हमने पूछा तो कह रहा हम लोग लंगोटिया जा रहे हैं, दोस्त जिसमें जान है, एक ही हैंगर पे टंगे हुए दो कपड़े हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा, हम बता रहे एक ही पजामे में दोनों पैर डाल के बैठे हुए हैं। सर बता रहे हमें, बाबू जी आपने हमें शक हो रहा है दूल्हे के दोस्त पे, आपने गलत जिधर रिश्ता कर दिया सपना दीदी का। तू आगे निकल यार, तू आगे निकल, इतने में ये जाता नहीं, दुल्हन का भाई यानी खुद का बेटा आता है, खुद का बेटा। ये पापा, ये पापा, ये पापा, ये ओए, तुझसे कितनी बार कहा ये सिलाई मशीन मेरे सामने चला कर, ये पैर वाली सिलाई मशीन, बता दिया तेरे को कि कसम से बता रहा हूँ, रोड रोड चला दूंगा इस पे। ये पापा बड़ी मुश्किल से पानी का टैंकर पकड़ के लाया हूँ, जल्दी बोलो कहाँ खाली कराना है। उससे क्या 10 मिनट रुके यार, 10 मिनट रुके, अरे यार रुक नहीं सकता, वो फायर ब्रिगेड का टैंकर है, कहीं यहाँ बुझाने जा रहा था, 200 रुपए दिए तो पहले यहाँ गया, आधा टैंकर अभी खाली करेगा और आधा अगले चक्कर में, जल्दी बोलो कहाँ खाली कराना है। तू सोचने दे, सोचने का समय नहीं है, एक आइडिया देता हूँ, अपनी बाजू वाली है ना, कौन सावित्री, उसकी बात नहीं कर रहा, अपना एरिया मत क्लियर किया करो तुम, उसकी बेटी बबली की बात कर रहा हूँ मैं, उसके घर में खाली कराए थे, इस बहाने में भी उसके 2-4 दिन आऊंगा। अरे समझाओ कोई, इसे इसकी खुद की बहन की शादी है, ये दूसरे की बहन के साथ पानी पानी खेल रहा है। पानी पानी तो क्या, इतने में पानी की टंकी की समस्या सुलझी नहीं, कहीं से कोई आता है, फुफाई फुफाई पंडित ले आया हूँ, कहाँ है पंडित, ये रहा, कहाँ है ये रहा, अबे पीटर चर्च का फादर है। इस दिन को ले आया चर्च का फादर, अरे क्या करूं, कोई आज पंडित खाली नहीं था, शहर में जो सोकर उठ रहा वो शादी कर रहा है। अरे फादर हमारे यहाँ शादी है, मैरिज नहीं है। ये जाते नहीं, वहां से दूसरा आ जाता है, अंकल ऐसी न्यूज लेके आया हूँ, ऐसी टकाटक एकदम फ्रेश ताजा न्यूज, सुनते ही फट जाएगी। क्या बोला तू, क्या बोला? कुछ नहीं मैं तो बस, क्या बोला ये? ये मेहनत से तुम्हारे ये बाट लग जाएगी, ये हो जाएगा वो, क्या ये? ये सीख तुम स्कूल में, क्या ये है? चल मैं समझ गया।
आगे बोल। मुझे क्या हूँ ना हलवाई की टेंशन, ना बैंड का, ना प्रेस वाले का और ना पंडित का। अबे ऐसा क्या हो गया, दूल्हा भाग गया? अबे ये किसके साथ भाग गया, किसके साथ भाग गया? अपने खास दोस्त के साथ। दोस्ताना दोस्ताना हो गया दूल्हे का।